नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके स्कूल आए थे और हमने क्या किया था, आपका एक टेस्ट लिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया है, उस टेस्ट का एक वीडियो सॉल्यूशन क्या किया है जारी किया है। इसमें हम क्या करेंगे, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे जो हमने क्या किया था, आपसे पूछा था। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या था, एलेक्स इज डैश ऑनेस्ट बॉय। आपको इसमें क्या करना है, आर्टिकल्स का यूज किसका करना है, आर्टिकल्स का यूज करना है दोस्तों, क्लियर है, समझिएगा। एलेक्स इज डैश ऑनेस्ट बॉय, देखिए ऑनेस्ट, हम देखेंगे ऑनेस्ट का पहला लेटर क्या है, एच है, जो कि क्या एक कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट है। लेकिन हमारे पास एक आइडिया है कि हमको किसी भी नाउन के पहले अगर क्या करना हो, अगर ए और एन का इस्तेमाल करना हो, हम क्या करेंगे उसको हिंदी में, क्या करेंगे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। ओ क्या है दोस्तों, ओ आया है जो कि क्या है एक वॉवेल है, ठीक है, और हम किसको लेके चलेंगे, हिंदी को लेके चलेंगे, तो इसको क्या लगेगा यहाँ पे, एन, क्या लगेगा दोस्तों, एन लगेगा। कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हमारा क्या है, इधर हिंदी में वॉवेल आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रियू इज मेकिंग डैश यूनियन, अगर इसको भी क्या करेंगे हम हिंदी में लिखेंगे, तो क्या आया, यू नी यन, यूनियन हुआ। य क्या है दोस्तों, य आया है, क्या लगेगा, ए लगेगा, क्यों, क्योंकि य क्या है एक कॉन्सोनेंट है। देखिए हिंदी में हमारे वॉवेल्स अ से लेके अह तक होते हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं क से अज्ञा, क से अज्ञा तक क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हम देखेंगे य, य क्या है कॉन्सोनेंट है, क्या लगेगा यहाँ पे, ए लगेगा। इंग्लिश को लेके नहीं चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, हिंदी को लेके चलेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी सेमी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, इसका सही आंसर है टू, देयर आर टू सेमी वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, और उन कौन कौन से हैं, डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू और वाई हमारे क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं, सेमी वॉवेल्स का अर्थ होता है आधे वॉवेल, जो क्या होते हैं, आधे वॉवेल होते हैं, तो डब्ल्यू और वाई हमारा क्या है, राइट आंसर है। सॉल्यूशन देखिए क्या है, ये पहला क्वेश्चन था, डिवाइड था, ठीक है, इस डिवाइड में लॉजिक क्या था समझिएगा, ठीक है, करते हैं इसको डिवाइड को, 64 और 84 को डिवाइड करना था 8 से। देखिए दोस्तों, देने का मकसद क्या था, कि इसका लॉजिक पता चले कि कब पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, 8 8 64, ठीक है, एक कट गया, ये हो गया 8 8 1 8, ये भी कट गया। अब देखिए दोस्तों, ये आ गया, तो गलती क्या आप लोग किए हैं कि डायरेक्ट क्या किया है, पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट डायरेक्ट लगा दिए। पॉइंट कब लगता है, जब CS होता है, यानी कि रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर है नहीं है, रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर के लिए पॉइंट लगता है। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि रिमाइंडर लाने के लिए 0 8 0, अब क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया, अब जाके अब पॉइंट यहाँ लगाएंगे, उसके बाद से 0 उतारेंगे, फिर क्या करेंगे, 8 5 40, ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको दिया गया था बेसिक जानकारी के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका सिंपल था, लेकिन इसमें भी आप लोग बहुत गलती किए हैं, ठीक है। देखिए क्या गलती किए हैं, देखिए ये 2 में से 4 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा, ठीक है, फिर ये है, फिर ऐसे ऐसे है। इसको समझने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है समझिए, जैसे कि आप किसी दुकान पे गए, 2 रुपया लेके गए, 6 रुपया का सामान बकाया कर दिया, कितना बकाया रहा, -4 रुपया, क्योंकि 2 रुपये जमा हो गया, फिर क्या किए, फिर बकाया लगा दिया, फिर बकाया लगा दिया, तो बकाया बकाया लगा रहे हैं, तो माइनस में रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन पैसा तो जुड़ते रहेगा ना जी, पैसा क्या होगा, जुड़ते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 में से 6 गया, -4 -4 -10 -20, अब 14 20 क्या हो गया, 34, -34 आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसी प्रकार मैंने मल्टीपल दिया था, लेकिन माइनस का मल्टीपल था, ये अब कैसे लगेगा, देखिए माइनस का माइनस से मल्टीपल होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, और प्लस होने के बाद फिर माइनस से जब गुणा होगा, माइनस गुणे जैसे प्लस गुणे माइनस, क्योंकि ये दोनों प्लस हो गया, और फिर जब माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर माइनस हो जाएगा। यही चीज आपने गलती किया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 12, ठीक है, +12, और फिर माइनस में 4 से गुणा करेंगे तो 12 × 48, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, -48, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 8 8 8 का 80, लेकिन इसमें क्या है, कुछ नहीं है, केवल माइनस माइनस है, और कोई माइनस है नहीं, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या हो गया आपका, 80 आंसर हो गया,
ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और आपको ये टेस्ट हुआ है उसमें देखिए कहाँ पे गलती किए हैं आप, ठीक है, और गलती करने के बाद आपको एहसास होगा।